किसानों ने अपना मन पहले से ही बना लिया था कि हम ये लड़ाई लंबी लेकर जाएंगे और यही परिस्थितियां बनी हुई है। 35 दिन हो चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन अच्छी बात यह है एक बार फिर 3 हफ्तों के बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हुई है। जो संवादहीनता की दीवार खड़ी हो गई थी वो आखिरकार टूट गई है। मसलों पर बातचीत हुई, मुद्दों पर बातचीत हुई, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस मसले का स्थायी तौर पर समाधान कब होगा, कब अन्नदाता अपने घर लौटेंगे? चिट्ठियों का दौर चला, फिर सहमति बनी कि बात करते हैं। किसान नेताओं ने कहा था 29 दिसंबर को बात करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कृषि सचिव ने किसान नेताओं को चिट्ठी भेजकर बताया कि हम बातचीत 30 दिसंबर को करेंगे। बातचीत आज 2 बजे शुरू हुई, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा बातचीत के बाद लंच ब्रेक में विज्ञान भवन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। वो तस्वीर थी कृषि मंत्री का किसान नेताओं के साथ लंच करना। कृषि मंत्री ने किसानों का लाया हुआ लंच खाया, जिसके बहुत मायने हैं। आज की बैठक पर पूरे देश के हर एक व्यक्ति की नजर टिकी हुई थी, क्योंकि ये बैठक बहुत अहम थी। कम से कम कोई आगे का रास्ता तो निकलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, और रास्ता थोड़ा बहुत निकला भी। लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ीग है, ऐसा रवैया दिखता है, और किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान नेताओं की तरफ से 4 एजेंडे जो सरकार को भेजे गए थे उस पर बातचीत हुई आज, और उसमें से 2 सरकार ने मान भी लिए, जिसमें से एक है विद्युत संशोधन बिल और दूसरा है वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश। इन बिलों को लेकर जो किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई थी उसे सरकार ने मान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच है 3 कृषि कानून और MSP पर कानून लाया जाए, जिसको लेकर सरकार का रवैया बिल्कुल अलहदा है। यानी मुद्दों को लेकर सरकार अपनी बात पर अड़ीग दिखाई दे रही है। अभी तक तो ऐसा लगता है, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने जा रही है या MSP पर सरकार कानून लाने जा रही है। ऐसी कोई संभावना तो दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उम्मीद जरूर की जा सकती है। इसके इतर एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि तारीख फिर सामने आ गई है, अब 4 जनवरी को सरकार के साथ अगली बातचीत होगी। खैर, जो आज बातचीत हुई है उसमें सरकार ने किसानों से एक समिति बनाने का सुझाव भी दिया है। हालांकि किसानों की तरफ से अभी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इतना जरूर कहा जा सकता है कि बात अब लग रहा है कि सही दिशा में आगे जा रही है, लेकिन इस मसले का स्थायी समाधान कब निकलेगा ये देखने वाली बात है। बहरहाल, इस चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं, वो पहले देख लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल देखिए, 35 दिनों से घमासान, कब निकलेगा समाधान? दूसरा सवाल, तारीख पर तारीख, लेकिन हल कब निकलेगा? अब एक और तारीख सामने आ गई है, 4 जनवरी को बातचीत होगी, क्या सरकार 3 कृषि कानून वापस लेगी, क्या ऐसी संभावना दिखाई देती है? चौथा सवाल, सरकार के MSP पर कानून लाने की कितनी संभावना है, क्या इसको लेकर संभावना जताई जा सकती है, क्या इसको लेकर उम्मीद की जा सकती है? ये 4 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन आज की बातचीत में ये अच्छी बात जरूर रही है, भले ही तारीख यहाँ पर निकलकर सामने आ गई है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकार ने, किसान नेताओं ने जो मांगे रखी थी, 4 एजेंडे जो स्पष्ट किए थे उसमें से 2 मान लिए हैं, वो हमने आपको बताया। एक पराली से संबंधित कानून था और एक बिजली से संबंधित था, उस पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी 2 बाकी है, और 2 वो ऐसे बाकी हैं जिस पर अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सरकार का शुरुआत से लेकर प्रारंभिक दौर से लेकर अभी तक का रवैया देखकर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेगी। केवल रवैये के आधार पर हम ये कह रहे हैं, बाकी आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात करें इसके इतर, MSP को लेकर क्या सरकार कानून लाएगी, क्या इसको लेकर संभावना दिखती है? अब ऐसी भी कोई संभावना नहीं दिखती है, लेकिन इतना जरूर है सरकार ने किसान नेताओं की 2 मांगे जो थी वो मान ली है। अब 2 मांगों का क्या होगा उस पर देखने वाली बात ये होगी। तारीख सामने आ गई है, 4 जनवरी को बातचीत होगी, इसको लेकर एक और सवाल है, क्या 4 जनवरी आखिरी तारीख होगी क्या? अब आपके सामने नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अगर आपका भी इस मुद्दे को लेकर कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज का बहुत महत्वपूर्ण ये मसला रहने वाला है, क्योंकि आज 7वें दौर की बातचीत किसान नेताओं और सरकार के बीच में हुई है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे आप उनको सीधा सुझाव भी दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं।
तो आपको बता दें हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ कराते हैं आपका। हमारे साथ रामराज ढुल जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामराज जी। और एडवोकेट सुशील राजा है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुशील राजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। रामराज जी मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, कितनी संभावना दिखती है कि अब सरकार जो दो मांगे बची हैं वो मान लेगी? देखो जी ऐसा है, पहले राकेश जी के सीधे पहले कहे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ये देख लिया था राकेश जी ने घोषणा करी थी अब 26 जनवरी ने किसान 1,00,000 ट्रैक्टर लेके झंडा लहराएंगे और उसमें 50,000 किसानों की बेटी होंगी आगे जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर खुद चलाएंगी। 10,000 तो वहाँ पहुंच भी चुकी है और आगे गांव गांव में मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों ने अपनी वो बेटियों को। अब 26 जनवरी ने तिरंगा झंडा लगा के बहुत बड़ा ट्रैक्टर का और ट्रेली का तो वहाँ परेड करेंगे और झंडा किसानों की बेटी लहराएंगे, इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। ये पहले पता लग गया था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ये लंबा चलेगा। इसे कारण जो पंजाब के किसान पहले आए थे वो 3 दिन का राशन अपने साथ ले आए थे और ये तो ये राशन की दिक्कत भी को नहीं। रामराज जी देखिए किसान नेताओं ने अपनी रणनीति तो स्पष्ट कर दी थी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपको संभावना लगती है कि जो दो मांगे अब जो बची हैं और यही दो मांगे बहुत महत्वपूर्ण है, MSP को लेकर, 3 कृषि कानून को लेकर, आपको लगता है कि सरकार इसको लेकर कुछ स्टैंड लेने वाली है? लगता है ये तो करना पड़ेगा जी, ये तो कानून वापिस तो किसान कर वापिस है, इसमें भी न ला लो गेंद मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है, इनकी मर्जी है अभी न लगाओ। ठीक है मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, मतलब अभी भी किसान नेताओं का वही स्टैंड है इसको लेकर कि जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और किसान नेताओं का इसको लेकर बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। सुशील राजा ये अपना नारा बना दिया एक, ठीक है सुशील राजा जी, किसान वापसी कर वापसी ये एक नारा भी हो गया है हमारा जी। सुशील राजा जी लगता है आपको सरकार ये मान लेगी जो दो मांगे बची है? और दो मांगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसान लगातार शुरुआती दौर से लेकर अब तक यही मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी मांग तो ये है सरकार 3 कृषि कानून वापस ले। क्या सरकार 4 जनवरी को ये ऐलान करने वाली है क्या? देखिए सरकार शुरू से ही इस बात के लिए प्रयत्नशील थी कि जो भी किसानों की समस्या है, जमीनी स्तर पर उनको जो भी समस्या हो रही है उसका समाधान बातचीत से निकले और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई और सरकार आज भी कोशिश कर रही है, कल भी करेगी और करती रहेगी जब तक हमारे जो किसान भाई हैं उनका समाधान नहीं मिलेगा, जैसा कि हमारी माननीय जी। सुशील राजा जी मैं आपको माफी के साथ यहां पर रोकना चाहूंगा, ये दर्शकों का कार्यक्रम है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं फिर इस बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं रोहतक से देवेंद्र। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर, ये जो 4 तारीख तक ले जा रहे हैं ना जी, ये वहाँ भी नहीं मानेंगे क्योंकि इन्होंने पहले ही 2017 में पास करवा लिया था जी। ये अडानी और अंबानी के वहाँ पे हो रहा है सारा मसला, उन्हीं से सरकार चली हुई है। देवेंद्र जी अगर इस पहलू को अगर इस एस्पेक्ट से देखें कि सरकार ने आधी मांगे तो मान ली है और आधी क्या किसान मान ले, क्या इस मसले समाधान नहीं निकाला जा सकता कि इस नजरिए से देखकर? देखते हैं सर, अभी तो लग तो नहीं रहा ऐसा मसला हो जाएगा। चलिए ठीक है देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए जी। सुशील राजा जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं और जो दर्शक ने सवाल पूछा है कि सरकार तो तारीख पर तारीख दे रही है। देखिए यहाँ पर तारीख का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर समाधान का मुद्दा है और सरकार पूरी ईमानदारी से किसान भाइयों की समस्या के लिए सतत प्रयास कर रही है जी। और जैसा कि हमने पहले ही बोला आपको और फिर इस बात को आपके खबर न्यूज खबर फास्ट न्यूज के माध्यम से इस बात को पूरी ईमानदारी से रखना चाहते हैं कि हम किसानों के लिए काम करते हैं करते रहें। मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के भलाई के लिए काम किया है, अगर हम पूरे मोदी सरकार के पूरे कार्य देखें तो उसमें किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है। और जैसा कि हमारे रामराज जी अभी कह रहे थे कि ये तारीख पर तारीख दी जा रही है या डिले किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि किसान पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पर हैं और सभी किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत का रास्ता निकाला जा रहा है
और बातचीत के थ्रू हम इसका हल निकालने के। चलिए ठीक है सुशील राजा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए भिवानी से, अजीत सिंह। अजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? सर मैं ये कहता हूँ कि जो मुख्य मांग थी किसानों की तो बाकी है, बिजली का जो ये का पराली का, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता इनका। मुद्दा तो मेन जो है ये तीनों कृषि कानून वापिस है, सरकार इस पर सरकार आ ही नहीं रही जी। तो मतलब आपको लगता है कि जो मुख्य मांग थी वो सरकार को माननी चाहिए थी, वो नहीं मानी है? जो अनावश्यक थी, जो मतलब गैर जरूरी थी, उसको सरकार ने अभी मान लिया है। सारे वर्कला रही है किसानों को, सरकार चाहती ही नहीं ठीक करना, क्योंकि उनके ऊपर दबाव कॉर्पोरेट सेक्टर का भारी पैसा दे रखा है भाजपा ने इनसे, तो इनको जो अपने एमपी खरीदने इन्होंने भविष्य में, इसको लेकर सरकार नहीं मान रही बिल्कुल भी बात। चलिए अजीत सिंह जी मैं आपका सवाल पूछूं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं सुशील राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, आपने सवाल पूछा और सुझाव भी दिया। रामराज मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर मैं सुशील राजा जी आपके पास आऊंगा यही सवाल लेकर जो दर्शक ने पूछा है। रामराज जी आपको कितनी संभावना लगती है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी या फिर एमएसपी को लेकर सरकार नया कानून लाएगी, कितनी संभावना दिखती है? संभावना तो ऐसा है जी, अभी तक तो संभावना है को नहीं, बाकी ये को क्या लेने तो पड़े, क्या नुकसान कराएगी, क्या नुकसान भी उसका नहीं। 26 जनवरी ने ब्रेड के लिए किसान जाएगा, 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ झंडा लगाएगा, यहाँ रोकेंगे तो तिरंगा का बोसार करेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ देंगे, गोली चलाओ तो ये गद्दार को आओगे, दूसरे देश है इनकी उसमें सेट करेंगे, ये गद्दार को आओगे तिरंगा पर कुछ को मारेंगे। तो बाकी 26 जनवरी की तैयारी पर है और कुछ नहीं, किसान 26 जनवरी की तैयारी है फुल, गवर्नमेंट अपनी तैयारी कर लो, किसान अपनी तैयारी कर रहा है परेड की। चलिए रामराज जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, दर्शक का हम सवाल लेने के बाद सुशील राजा जी आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे से जुड़े हैं झज्जर से, राम सिंह, राज सिंह। राज सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार राज सिंह, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है साहब जी, आप जो अडानी अंबानी ने बिल बनवाए थे अपने दबाव में, वो 2 बिल थे जी, ये 2 बिल जो पराली का पोल्यूशन वाला और ये बिजली वाला है, ये तो सरकार ने खुद बढ़ाए थे जी, तो इन पर तो सहमत होगी। दूसरा जो अडानी अंबानी के दबाव में बिल बने थे, जो किसानों के साथ लूट खसोट करनी थी जी, वो प्लानिंग पूरी थी, वो तो अभी बाकी है और वो वापिस सरकार लेगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा दबाव है अडानी। राज सिंह आपको कोई संभावना नहीं लगती कि सरकार ये जो 2 कानून है, जो 3 कृषि कानून है, ये सरकार वापस नहीं लेगी, और जो दूसरा है, जो दूसरी मांग है एमएसपी को लेकर, आपको बिल्कुल भी संभावना नहीं दिखती? ये जी सरकार की प्लानिंग ये बिल लाने की ये थी, एक तो सरकार को हर साल जी अरबों खरबों रुपए फसल, किसानों की फसल खरीदने में इन्वेस्ट करने पड़ते थे जी, और किसान बढ़िया प्रबंध नहीं कर पाती थी तो किरकिरी होती थी। अब क्या है, बाहर प्राइवेट मंडी खोल के किसान की फसल वहां बिकवा के सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ना चाहती थी जी। दूसरा ये था, मंडी बंद हो जाएगी, सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, पूरा मार्केट अडानी अंबानी के कब्जे में आ जाएगा, और वो एमएसपी तो अपने नीचे। चलिए राज सिंह जी मुझे आपकी बात समझ आ गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2 हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं उनको भी आपकी बात समझ आ गई है। चलिए राज सिंह बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सुशील राजा साफ तौर पर यहाँ पर लगातार यही बात कही जा रही है कि सरकार को दिक्कत क्या है इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने में, किस प्रकार की समस्या है? क्या 2015 में जो जमीन को लेकर जो अधिग्रहण बिल लाया गया था कि सरकार ने वापस नहीं लिया था, तब भी किसान थे? इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने में सरकार को क्या दिक्कत है? 2 मांगे मान ली, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों की मुख्य मांग है, इसको लेकर क्या समस्या है? कोई ठोस मुझे लॉजिकल कोई पॉइंट बताइए। देखिए यश जी, जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं तीनों किसान कानून वापस सरकार नहीं लेना चाहती, ये जो किसान कानून बनाए गए हैं किसानों के भले के लिए बनाए गए, किसानों के कल्याण के लिए बनाए गए। इस तीनों बिलों से सुशील राजा जी देखिए ये बात, अब देखिए ये बात पुरानी हो गई है कि ये किसानों के लिए बनाए गए, तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन जब किसान नेता खुद कह रहे हैं, इस देश के लाखों किसान कह रहे हैं कि हमें कानून चाहिए नहीं, तो फिर भैया क्यों दे रहे हो? देखिए ये जो यहाँ पर जो जिसको बोलते हैं कि पर्दे के पीछे कोई और है,
इनसे कौन बुलवा रहा है, ये सबको जाहिर हो चुका है। इस आंदोलन के पीछे कौन खड़ा है ये बात छुपी नहीं है किसी से। आपके जो मीडिया भाई है वो सब एक्सपोज करने में लगे हैं, तो इसके पीछे बहुत घटिया राजनीति का जो चक्कर चल रहा है किसान आंदोलन के पीछे, इसमें किसानों के भले की मंशा नहीं है। सुशील राजा जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप कोई ठोस मुझे पॉइंट बताइए कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं ले सकती, आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। दोबारा से आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। हिसार से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुशीला। सुशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है सर, मतलब ये जमीन किसानों ने कहते हैं राजनीति चल रही, राजनीति कोई राजनीति नहीं है। मैं भी एक अनपढ़ किसान हूँ जी, हमें भी समझ में आती है कि किसान का साथ ये क्या धोखा करना चाहते हैं। इसलिए अगर देश का जान माल को बचाना चाहते हैं तो ये कानून वापस ले ले तो अच्छा रहेगा जी। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें अनपढ़ से अनपढ़, ग्वार से ग्वार, बिल्कुल उनको भी ये समझ में आ रही है हमारे साथ धोखा होने लग रहा है। और गवर्नमेंट ने ये ले लेना चाहिए, इससे जान माल का दोनों का ही फायदा होगा। अगर ये नहीं लेंगे तो दोनों का नुकसान होगा सर। चलिए सुशीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सुझाव देने के लिए और सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं रोहतक से, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, देखो सरकार को ये दोनों कानून जो बचे हैं बाकी ये वापस करने पड़ेंगे जी, ये कानून लेने पड़ेंगे, नहीं तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और बीजेपी जिस पहले 2 सीटों पर थी वो भी नहीं रहेगी देश के अंदर जी। हालात इस प्रकार के आज देश के अंदर हो चुके हैं। चले रणबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील राजा जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने सुना, दर्शक ने भी सवाल पूछा कि सरकार को तो तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, पर आपने, मैंने जब आपसे सवाल पूछा था आपने कोई लॉजिकल मुझे कोई पॉइंट नहीं बताया कि जिससे सरकार को ये नुकसान हो रहा है। क्या इसे ये मान लिया जाए, पूरे देश को ये लग रहा है, पूरे देश की जनता को ये लग रहा है कि कॉर्पोरेट का दबाव है सरकार पर, तभी ऐसा हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। देखिए, एक तोते की तरह एक पाठ पढ़ा दिया गया कि अडानी अंबानी का इससे क्या मतलब, किसान मिलकर अडानी अंबानी कहां से इसमें इन्वॉल्व है आप बताइए। ये सिर्फ इन दो जो कॉर्पोरेट घराने के नाम लिया जा रहा है विपक्ष द्वारा या जो भी एक प्रोजेक्टेड जो एक आंदोलन। सुशील राजा जी, ईमानदारी से बताइए, 2015 के बाद क्या इस देश में इन दोनों कॉर्पोरेट घरानों के क्या कोई वेयर हाउस नहीं बने, क्या वहां पर नहीं रखा जाता? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके साथ करार कर रखा है कॉर्पोरेट घरानों के साथ, FCI को छोड़ के, क्या ये बात गलत है? नहीं, ये मैंने नहीं कहा गलत है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी तो मानिए ना, जो उद्योगपति हैं वो आज के उद्योगपति नहीं है, वो कांग्रेस के टाइम से यहाँ आपसे ज्यादा, वो जो आज बिल का जो विरोध कर रहे हैं अडानी अंबानी के नाम पर, अगर आप उसको गहराई से अध्ययन करें तो कांग्रेस खुद मंडी समिति का जो बिल था मंडी को बीच में रखने के पक्ष में नहीं थी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल पास किए गए। आज वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। और जो कांग्रेस खुले तौर पर, सुशील राजा जी, जो आपको लॉजिकल पॉइंट रखने चाहिए वो तो आप रख नहीं रहे इस बात को लेकर, लेकिन आप विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उसको बीच में लेकर आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल मुद्दों पर बातचीत हो, दर्शकों को समझ आए, आप लॉजिकल पॉइंट रखें, लेकिन वो आप रख नहीं रहे, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुद्दे को भटकाने में, सुशील राजा जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ 2 दर्शक जुड़े हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। सतीश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? हम चाह रहे हैं सतीश कुमार जी, मैं आपसे सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा, आप टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए। सतीश कुमार जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है कि आप टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए। ये किसान है या किसान नहीं समझ पा रहे या ये सरकार नहीं समझ पा रही किसानों की मजबूरी, ये किसान की मजबूरी नहीं समझ पा रहे ये सरकार, क्या क्या है इनका कारण, क्या है जी? इनसे ये पूछो, प्रवक्ता से।
चलिए सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, गुरबचन। गुरबचन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? सवाल यह है जी, ना तो किसान किसान इतनी गुरबचन जी अपना सवाल पूछिए। सवाल ऐसे जी, ये दो बिल वापस ले रही है, दूसरे की बिल क्यों नहीं वापस ले रहे? चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई कुल मिलाकर। जी जो असली बिल है वो उन्होंने वापस लिए जी, यही हम सवाल पूछ रहे हैं। चलिए गुरबच्चन जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ रामराज जुड़े हैं। रामराज, अब तक आपको क्या बात समझ आ रही है इस बात को लेकर कि सरकार यहाँ पर जो दो बिल हैं, क्या इसको लेकर कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है? और बड़ी बात यहाँ पर यह है, आपको लगता है कि जो 4 जनवरी जो तारीख है, क्या वो आखिरी तारीख होगी? क्या 4 जनवरी को समाधान निकल जाएगा? देखो पहले भी किसानों ने 15-20 दिन वार्ता बंद कर दी थी, वो बंद इसलिए रखी थी, अब ये सरकार अभी नहीं सुधरेगी और 4 तारीख में समाधान कोई समाधान नहीं होगा। हमारी सिर्फ 26 जनवरी की तैयारी है और ये जो भाई कदा नहीं कांग्रेस रोकती सकता है, कांग्रेस ने भी रोकती कोशिश कर दे, पक्का इलाज करेगा किसान, किसान ऐसा इलाज करेगा, इतने दुनिया रहेगी नहीं, राजनीति के किसान किसान का कानून बढ़ावा नहीं उसके हाथ होंगे, पक्का इलाज करेगा किसान, पक्का 2 करोड़ किसान है, वो गणने वाला नहीं है। 26 जनवरी को देखियो क्या होगा, 1 लाख ट्रैक्टर वहाँ परेड के लिए जाएंगे और झंडा किसान लहराएगा और ये आर पार की लड़ाई होगी। हमारी तैयारी सिर्फ ये 26 तारीख की है, 4 तारीख की भी वार्ता भी सुंदर होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं। सतबीर हमारे से जुड़े हैं भिवानी से। सतबीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, मेरा सवाल यह है जी, ये किसान बुजुर्ग और बच्चे महिलाएं परेशान हो रही हैं, सरकार बार बार तारीख दे रही है जी, सरकार को समझ में नहीं आता कि किसानों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है और ये JJP के प्रवक्ता बैठे है मुद्दे पर आ नहीं रहे। गरीब किसान जिसके पास 4 बोरी अनाज है वो कहाँ दूसरी जगह ले जाकर बेचेगा, ना उसके पास इतना किराया ना और कुछ, स्टॉक कौन करेगा? अंबानी अडानी जिनके पास जो बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं, और ये बार बार यूं कह रही है सरकार कि भाई मंडी चालू रहेंगी, मंडी सारी फेल हो जाएंगी और किसान के लिए बुरा हाल हो जाएगा अगर ये कानून वापिस नहीं हुई तो। चलिए ठीक है सतबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, रमेश। रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, और मेरा नमस्कार। सवाल ये है जो ये 4 तारीख दी गई है ये भी गवर्नमेंट एक टालने वाला काम कर रही है जी, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में जो कुछ था, जो गवर्नमेंट ने लागू किया था, जो सरकार के कब्जे की चीजें थी वो दोनों उन्होंने मान ली, क्योंकि ये दोनों मसौदे अभी लिक्विड फॉर्म में थे जी। लेकिन जो कॉरपोरेट की इन्वॉल्वमेंट है जो 3 बिल में, अब वो कॉरपोरेट के ये सीधा सीधा हस्ताक्षेप दिखता है कि हाँ कॉरपोरेट के दबाव में है गवर्नमेंट जी, और जब तक कॉरपोरेट के दबाव में रहेगी वो इन 3 बिलों के ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी राय नहीं देगी, वो सिर्फ तारीख पर तारीख देती रहेगी। इसलिए 4 तारीख में भी कुछ निकलना नहीं है, 4 तारीख से आगे फिर 1 तारीख जाएगी और जी, मतलब आपको लगता है कि तारीख का तारीख जो सिलसिला ये लगातार जारी रहेगा और सरकार की मंशा इसको लेकर कुछ और है? बिल्कुल। चलिए रमेश बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सुशील राजा, हर कोई ये कह रहा है, सभी समझ रहे हैं कि जो दबाव है कॉरपोरेट का ही लगता है, तभी सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। इसके इतर मेरा एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, सरकार गारंटी तो दे रही है MSP को लेकर, लेकिन MSP का कानून लाने में हिचक रही है, क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आपको पहले ही बता था, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि MSP को ना छेड़ा गया ना छेड़ेंगे, MSP थी है और रहेगी, ये तो किसानों को बरगलाने वाली बात हो रही है। ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन आप देखिए किसान को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? MSP को लेकर कानून क्यों नहीं लेकर आ सकते? अभी आपने देखा कि लाखों किसान इसके सपोर्ट में उतरे, यूपी में और भी जगह पूरे हिंदुस्तान में इसके सपोर्ट में खड़े हुए, वो किसान है जो सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जो किसान है वो तो उनको फर्जी बता रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा जो है वो बिचौली है या बिचौली के द्वारा लाए गए वो किसान है जिनको बहुत ज्यादा इस केस की समझ नहीं है। अब आप एक बात सुन लीजिए,
कि इन तीनों बिलों के आने के बाद किसका किस किसान का नुकसान हुआ है, आप मेरे को ये बताइए। ये तो खाली ऐसा हो रहा है कि जैसा होगा, आप ये बताइए किसका फायदा हुआ है। अच्छा हमें आपसे आप क्वेश्चन मत कीजिए, आप मेरे को ये बताइए, आप ये बताइए किसका फायदा हुआ है। इतने समय से लागू है, पहले अध्यादेश लाया गया, फिर इसको कानून बना दिया गया, किसका फायदा हुआ है आप ये बताइए। किसान अब जो अपनी फसल डायरेक्ट छह महीने हो गए हैं सुशील राजा, छह महीने बिल्कुल किसका फायदा हुआ ये बताइए। किसानों को आंकड़ा है आपके पास, इसको लेकर कोई आंकड़ा है आपके पास, किसका फायदा हुआ ये बताइए। मैं अभी कोई आंकड़े की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ जो पूरे देश में हो रहा है। हर किसान आज अपनी फसल को बेचने के लिए आ जाते हैं, उसके अपनी फसल का मैक्सिमम मूल्य उसको मिल रहा है, एमएसपी ऑलरेडी सरकार ने लागू की है और उसी के माध्यम से सरकार खरीद कर रही है राज्य स्तर पर। दूसरी बात ये सुशील राजा, मुझे पता हाँ। क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि एफसीआई पे जो 3.5 लाख करोड़ का जो कर्ज मोदी सरकार में हो गया है ना, उसको लेकर सरकार पल्ला झाड़ने के लिए कॉर्पोरेट घराना को ही देना चाहती है, ऐसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, कहीं भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट आता है, देखिए चाहे वो आपका क्षेत्र हो, चाहे मीडिया हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, जहां पर जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उस क्षेत्र में ग्रोथ होनी होनी है, ये आप निश्चित जानिए, वहां बेरोजगारी के साधन बढ़ेंगे, लोगों को सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। राजा देश में एक सेक्टर तो रह गया था जहां पर प्राइवेट का कोई निवेश नहीं था, लेकिन आप उसको भी प्राइवेट सेक्टर में लाना चाह रहे हैं। आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। आपने बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट हटाया, क्या फायदा हुआ? आज भी बिहार का किसान मध्य प्रदेश में जाके अपनी फसल बेचता है, आज भी बिहार का किसान पंजाब की मंडी में आता है, आज भी बिहार का किसान हरियाणा में आता है, क्या फायदा हुआ बिहार में? खुला बाजार की आप नीति कह रहे हैं ना, क्या फायदा हुआ? फायदा है ना, आप इसको यहाँ बैठ के आकलन कीजिए, आप नहीं बता पा, नहीं नहीं आप इसको ग्राउंड पे जाके आकलन कीजिए। सुशील राजा जो आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, हमारे रिपोर्टर और हमारी खुद चैनल की एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है, तो जो जिस किसान और जो असली खबर है, जो सच्ची खबर है, लगातार हम दिखा रहे हैं। जो छोटे किसान और मझोले किसान है वो इस तीनों कानून से बहुत ज्यादा लाभान्वित है। हाँ जो बिचौली है, जो आड़ती का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से अफेक्टेड हुए हैं और उसी को भरपाई करने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और किसानों के भले के लिए। चलिए सुशील राजा, चर्चा की जा रही है। यहाँ पर हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते मैं एक आपको आंकड़ा जरूर बताना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए, जो हमारे साथ भाकियों के प्रवक्ता है उनको भी सुनना चाहिए, सुशील राजा आपको भी सुनना चाहिए। देखिए जो आप एमएसपी को लेकर बहुत बात कह रहे हैं, मैं उसको लेकर आपको आंकड़ा बता देता हूँ। साल 2015 में 1044 लाख टन धान की पैदावार हुई थी, जिसमें से सरकार ने 342 लाख टन खरीदा, यानी कि करीब 33% ही धान खरीदा। इसी तरह 2019-20 में भी, ये पिछला साल, 1179 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसमें सरकार ने 510 लाख टन करीब 43% धान खरीदा। आप तो एमएसपी पर पूरा उनका धान तक नहीं खरीद पाते, बात आप एमएसपी को लेकर कर रहे हैं। देखिए सरकार सारा नहीं खरीद सकती। चलिए सुशील राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रामराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि परिस्थितियां बहुत अलग हो गई हैं। सातवें दौर की बैठक के बाद अब एक और तारीख सामने आ गई है, वो तारीख 4 जनवरी है, यानी अब दोबारा से दोनों पक्ष नए साल के बाद आमने सामने होंगे। तब तक किसानों का आंदोलन तो जारी है ही, रणनीति भी तैयार है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर है, क्या 4 जनवरी आखिरी तारीख होगी? क्या इस तारीख को समाधान निकल जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।